नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष चौधरी, आप लोग देख रहे हैं आशु फार्मेसी यूट्यूब चैनल। आज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोसील के बारे में। तो हाइड्रोसील के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि REPL 56 नंबर हाइड्रोनील टेस्टिकल वेलनेस ड्रॉप करके ये आता है। तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं हाइड्रोसील होता क्यों है। तो हाइड्रोसील होने के कई सारे रीजन्स हो सकते हैं, या तो आपके टेस्टिकल पे वास डिफरेंसेस पे कोई चोट लग जाती है, या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से उसमें जो है पानी इकट्ठा होने लगता है जिससे जो है आपके टेस्टिकल में दर्द हो सकती है, इपिडाइडिम्स में आपके स्वेलिंग हो सकती है। तो उस कंडीशन को हम जो है हाइड्रोसील बोलते हैं। कुछ कंडीशन में क्या होता है, हाइड्रोसील काफ़ी बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में पेशेंट को ऑपरेट भी करवाना पड़ता है, लेकिन अगर टाइम से उसका इलाज ले लिया जाए तो ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उसके लिए मैं बेस्ट मेडिकेशन आपको बताने वाला हूँ, होम्योपैथिक औषधि है जो कि देखिए REPL डॉक्टर एडवाइस नंबर 56 नंबर REPL 56 नंबर के नाम से आपको ये मार्केट में मिल जाता है। इसकी MRP 180 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलती है। इसमें हम बात कर लेते हैं जो है इसके फार्मूलेशन के बारे में, कौन कौन सा फार्मूला इसमें मिला हुआ है। देखिए अर्निका मोंटाना, ब्रायोनिया एल्वा, स्पॉन्जिया टोस्टा, रोडोडेंड्रॉन, रोसस टॉक्सिकोडेंड्रॉन, पल्सेटिला, मदर टिंक्चर, आरम मेटेलिकम, थूजा ऑक्सीडेंटाइलिस, इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट जो है मिले हुए हैं। अब हम बात करते हैं इसको लेना कैसे है और कितने दिन तक इसको लेना है। इसको देखिए 10 से 15 ड्रॉप आपको लेना है, ये आपका फिजिशियन डिसाइड करता है आपके डोज को। तो 10 से 15 ड्रॉप आपको लेना है करीब 50 ml पानी में, 50 ml पानी में आपको इसको 10 से 15 ड्रॉप आपको इसको लेना है। उसके बाद दिन भर में आप इसको 3 बार अवश्य लें। ये आपको करीब 3 महीने तक कंटिन्यू करना है, उसके बाद आपका जो हाइड्रोसील का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग स्वयं खुद से ना करें, डॉक्टर के कंसल्ट के हिसाब से इस्तेमाल करें। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, इसकी कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं है, हालांकि इसको लेने के बाद आपको थोड़ा सा जीभ के स्वाद में थोड़ा सा बदलाव लग सकता है, आपको खाने का स्वाद थोड़ा सा डिस्टर्ब महसूस हो सकता है, या फिर आपको जो है नौजिया फीलिंग हो सकती है, या फिर आपको स्टमक में थोड़ा सा पेन हो सकता है। अगर ये सारे सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप इस मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।